जटइए के बहुत हिस्सों के स्कूल बसा की गई रद्द। बर्फीले तूफान तो बाद हुण भावें सड़कों तो बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है, पर जटइए के बहुत पब्लिक और कैथलिक स्कूलों के वलों स्कूल बसा रद्द की गई हैं। टोरोंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड और टोरोंटो कैथलिक डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने वीरवार को आख्या है कि स्कूल बसा रद्द की गई हैं पर स्कूल खुले रहेंगे। हैमिल्टन के डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के वलों एक जानकारी देते हुए एमरजेंसी सेवावां दे तहत दस्या गया है कि खराब मौसम दे कारण हैम्पटन दे पब्लिक स्कूल बंद रहेंगे, हालांकि सिटी दे कैथलिक स्कूल खुले रहेंगे। बुधवार नूं ओंटारियो विच 14 सेंटीमीटर तक बर्फबारी तो बाद भी ग्रेट टोरोंटो एरिया दे कई हिस्सों दे विच बर्फबारी की चेतावनी अजे भी जारी है। वीरवार सवेरे एनवायरमेंट कैनेडा दे वल्लों आख्या गया है कि टोरोंटो अते सिटी दे पछमी इलाकों तो बर्फबारी संबंधी चेतावनी हटा दी गई है, पर कई सड़कों के उत्ते अजे भी बर्फबारी तो बाद तिलकण बनी हुई है। सड़कों नूं साफ करन दा काम जारी है। जटइए दे पूरब वल कई इलाकों दे विच अजे भी बर्फबारी संबंधी चेतावनी जारी की गई है। गल करांगे अगली खबर बारे। हाईवे 401 दे उत्ते 6 गड्डियां आपस दे विच टकराईयां। वीरवार सवेरे ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस अधिकारियों नूं 25 सड़क हादसों दी रिपोर्टां मिलियां। बर्फीले तूफान तो बाद सड़क उत्ते तिलकण वधण दे कारण जटइए दे ड्राइवरां नूं काफ़ी परेशानी दा सामना करना पै रहा है। हालांकि बहुत वड्डे रूटां तो बर्फ हटाउण दा काम तेजी दे नाल कीता जा रहा है। सीजन दे चलदे बर्फबारी संबंधी चेतावनी भी खत्म कर दित्ती गई है, पर अजे भी आवाजाई दे विच विघन पै रहा है। मिसिसागा दे विच हाईवे 401 रैंप तो डिक्सी रोड तक जांदियां 6 गड्डियां आपस दे विच टकरा गईयां। इन्हां गड्डियां नूं हटाउण लाइन्स नूं बंद करना पिया। इसे दौरान कुछ लोगों नूं मामूली सट्टां लगियां। ओपीपी स्टैंड्स दे वल्लों दस्या गया है कि अजे भी सड़कां दे उत्ते बर्फ दे चिकड़ापन बनिया होया है। सड़कां दे उत्ते गिल्लियां होईयां सड़कां दे उपरांत तापमान दे विच काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने अगे दस्या अगले 24 घंटियां दे नेड़े तेड़े 300 दे करीब गड्डियां हस्ताग्रस्त होईयां हन। गल करांगे अगली खबर बारे। गौर रोड उत्ते स्थित हिंदू सभा मंदिर की चोण 29 अप्रैल नूं गलत प्रचार तो बचो कुलदीप गुप्ता। ब्रैम्पटन गौर रोड के उत्ते स्थित प्रसिद्ध हिंदू सभा मंदिर की प्रबंधकी कमेटी की चोण 29 अप्रैल नूं होण जा रही है। यह चोण के लिए जो मंदिर के मैंबर हैं वह अपनी वोट पा के नवी कमेटी नूं चुन सकते हैं। इस कमेटी के लिए मैंबर बनने वास्ते वकील अमनदीप ढिल्लों जदों कि मंगलवार शाम 7 to 9 PM तक हर ऐतवार 11 to 1 PM तक मंदिर में बैठते हैं। इस मंदिर नवी कमेटी चुनन वास्ते वोट पाने के लिए योग होने लिए $51 की मैंबरशिप फीस रखी गई है, जो कि 4 अप्रैल तक चलेगी। श्री गुप्ता ने दस्या है कि मौजूदा प्रबंधक कमेटी के वलों बहुत वधिया काम किए जा रहे हैं। श्री गुप्ता के पिछले 6 सालों तो प्रमुख प्रबंधक तौर उत्ते गौर मंदिर की सेवा निभाते आ रहे हैं। उन्होंने दस्या कि 6 साल का इस कार्यकाल के दौरान मंदिर नूं कर्जे विचों कढ़िया। इस समय मंदिर के अकाउंट के विच स्पैशल पैसे भी पए हैं। इस दे नाल नाल मंदिर विच कई प्रमुख काम भी करवाए जाते हैं। आने वाले समय के श्री हनुमान जी की एक वड्डी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। उन्होंने दस्या मंदिर दे विच वड्डे पद्धर उत्ते काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। ऐसे समय पिछले पासे बायोटैंक हॉल बनाउण दा भी काम शुरू किया गया है। अगे दसदे हैं कि मंदिर इस समय कनेडा के सियासी और समाजिक अदारियां दे लई खिच दा केंद्र बनिया होया है। मंदिर विच हर समय हो रहे वड्डे वड्डे इकट्ठ नाथर अमरीका विच चर्चा का विषय बने हुए हैं। गल करांगे अगली खबर बारे। कनेडा विच भारत दी हाई कमिश्नर अते कौंसल जनरल दे वल्लों गणतंत्र दिवस मौके भारतीयां नूं दित्ती गई मुबारकबाद। भारत दे 74वें गणतंत्र दिवस मौके कनेडा विच भारत दे हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा दे टोरोंटो दे विच भारत दी कौंसल जनरल अपूर्वा दे वल्लों कनेडा विच वसदे भारतीयां नूं मुबारकबाद दित्तियां गईयां। इसे मौके वर्मा दे वल्लों आख्या गया कि संविधान लागू होण तों लैके हुण तक भारत दी यात्रा कमाल रही है। असीं होरनां देशां दे लई प्रेरणा दा स्रोत बणे हाँ। उन्होंने आख्या जदों असीं गणतंत्र दिवस मनाउंदे हाँ तां विकास दे नाम उत्ते जिहड़ियां प्राप्तियां असीं हासिल कीतियां हन उहनां दा असीं जशन माण। उन्होंने आख्या कि आजादी की शुरुआत वाले दिनों दे विच सानू कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पिया, जिन्हां दे विच गरीबी और अनपढ़ता मुख सी, पर समय के नाल नाल इन्हां दोवें अमलतावां काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया, तरक्की के राह वल चलिया गया। इस मौके टोरोंटो तो भारत की कौंसल जनरल अपूर्वा ने आख्या है कि साडा संविधान लागू होने दे नाल सानू जमहूरीयत मिली है, जदों कि आज़ादी न्याय और समानता के उत्ते आधार सी। पिछले 7 दहाकों के विच असी कई चुनौतियों तो पार पाउण दे नाल विकास दे राह फड़िया है, देश विच खुशहाली लियांदी है, भारतीयों का शक्तिकरण किया गया है। उन्होंने इस मौके सारे भारतीयों नूं गणतंत्र दिवस दीआं वधाईआं दित्तीआं। गल करांगे अगली खबर बारे।
अमरीका विच गणतंत्र दिवस ते अमरीका तो आई दुखदाई खबर सामने 23 साला भारतीय लड़की दी दर्दनाक मौत। अमरीका विच साउथ लेक यूनियन विच पुलिस दे गश्ती वाहन दे लपेट दे विच आउण दे कारण एक भारतीय मूल दी 23 साला लड़की दी मौत हो गई। विभाग दे वल्लों एक बयान दे विच इह जानकारी दित्ती गई है कि सोमवार रात नूं पुलिस ने गश्ती वाहन दे नाल टकराउण तों बाद पीड़ित नूं गंभीर हालातां दे विच हारव्यू मैडिकल सेंटर दे विच दाखिल करवाया। दस्सिया जा रहा है कि इन्हां रिपोर्टां दे मुताबिक किंग काउंटी मैडिकल दे दफ्तर ने कुड़ी की पछाण जाह्नवी कंबलो दे वल्लों कीती है। किंग काउंटी दे मैडिकल अदारियां दे वल्लों मौत दा कारण कई सट्टां दस्सियां गईआं हन। जाह्नवी आंध्र प्रदेश दे एक जिले दी रहण वाली है। एक टाइम न्यूज़ दे मुताबिक इस रिलीज़ दे विच दस्सिया गया कि वह साउथ लेक यूनियन दे नॉर्थ ईस्टर्न यूनीवर्सिटी कैंपस दी विद्यार्थन सी। इसे साल दिसंबर दे विच सूचना प्रणाली विच मास्टर दी डिग्री प्राप्त करन वाली सी। गल करांगे अगली खबर बारे। डोनाल्ड ट्रंप की 2 साल बाद होगी फेसबुक और इंस्टाग्राम से एंट्री। मैटा ने दी चेतावनी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मैटा ने बुधवार को सबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खातों को 2 साल की मुलतवी तो मुड़ बेहाल कर दिता है। अमरीकी संसद कंपलैक्स ने 6 जनवरी 2021 हुए हमले तो बाद फेसबुक ने 7 जनवरी 2021 ट्रंप के खाते को डिसमिस कर दिता सी। कंपनी ने बुधवार को एक बयान कहा वह यह यकीनी करन दे लई नवे नियम जोड़ रही है कि किस वेले भी नियम की दोबारा उलंघना ना की जाए। मैटा ने एक बयान दे विच कहा जेकर ट्रंप अपनी पोस्ट राही उलंघना नूं दोहराउंदे हन तां उस उलंघना की गंभीरता के आधार पर उन्हां दा खाता 1 महीने तों 2 साल के समय लिए मुलत किया जा सकता है। ट्रंप के बुलारियां ने इस संबंधी जानने के लिए संपर्क किया पर उन्होंने वालों अजे तक कोई जवाब नहीं आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भी उन्हों का खाता प्लेटफॉर्म तो हटा दिता है पर हाल ही एलन मास्क दे वल्लों कंपनी दी दौर संभालण तो बाद उन्होंने खाते नूं बहाल कर दिता गया। मुख धारा दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मां ते पाबंदी लगाउण तो बाद ट्रंप अपनी खुद दी साइट सोशल दे राहीं अपनी गल रखदे हन। ट्विटर ने उन्हां दा खाता ब्लॉक होण तो बाद उन्हां नूं इस तो जारी कर दिता है। जिक्रयोग है कि ट्रंप ने 3 नवंबर 2020 नूं होईआं राष्ट्रपति चोणां दी हार नूं स्वीकार नहीं कीता। गल करांगे अगली खबर बारे। यूके दे विच पढ़ाई मगरों नौकरी मिलनी होगी मुश्किल, सरकार लै सकती है वड्डा फैसला। ब्रिटेन विच डिग्री प्राप्त करन तो बाद विदेशी विद्यार्थियों के कोल नौकरी लभण लई 2 साल का समा हुंदा है। इस समय के दौरान विद्यार्थी नूं नौकरी मिल जाती है, वह ब्रिटेन दे विच ही सैटल हो जाते हैं। हालांकि हुण ब्रिटेन स्टडी वीजे नूं लैके वड्डा फैसला लैण जा रहा है जिसका सब तो ज़्यादा असर भारतीय विद्यार्थियों ते पवेगा क्योंकि हर साल वड्डी गिणती दे विच भारतीय पढ़ाई करन दे लई ब्रिटेन जाते हैं। दरअसल ब्रिटेन दी गृह मंत्री दे वल्लों पढ़ाई दे सिलसिले दे विच ब्रिटेन विच पढ़ाई करन वास्ते आए विद्यार्थी वीजे अते विदेशी वीजियां दे उपरांत रहण दी म्याद दी कटौती करन दी योजना बनाई जा रही है। खबरों के मुताबिक यह भी दस्सिया जा रहा है कि इस कदम दे विच ब्रेव मैन दा देश दे सिक्ख्या विभाग दे नाल टकराव हो सकता है। ब्रेव मैन दी प्रस्तावित समीख्या स्रोत दे तहत नवे ग्रैजुएट वीजे रूट दे विच कटौती दी उम्मीद है। दी टाइम न्यूज़ दे मुताबिक दस्सिया गया है कि भारतीय मूल दे गृह मंत्री ने ग्रैजुएट वीजा रूट दे सुधार करन दी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों नूं हुनरमंद नौकरी प्राप्त करके काम दे लई वर्क वीजा प्राप्त करना होगा जां फिर 6 महीनों बाद ब्रिटेन तो जाना पवेगा। गल करांगे अगली खबर बारे। हिंसा के दौरान म्यांमार के विच अफीम की खेती 33% का वाधा। म्यांमार के विच फौज के वल्लों सत्ता ते कब्जा होने तो बाद अफीम की खेती विच वाधा होया है। ऐसी रोकथाम की कोशिश बंद होने अते कमजोर अर्थव्यवस्था के चलते वध लोगों के द्वारा नशीले पदार्थों का व्यापार किए जाने के कारण पिछले 1 साल के म्यांमार की अफीम की खेती 33% का वाधा दर्ज किया गया है। वीरवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के जानकारी दी गई कि संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध के दफ्तर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 विच आंग सान दी लोकतंत्री रूप दे विच चुनी गई सरकार नूं हटा के देश दे फौज दे कब्जे दे बाद 2022 दे विच म्यांमार विच अफीम दी खेती दा खेतर 33% वधा के 40 हेक्टेयर कर दिता गया। इस तों बाद संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के खेतरी मंत्रालय के वल्लों कहा गया कि फरवरी 2021 के फौजी कब्जे तो बाद आर्थिक सुरक्षा के शासन विघन के नतीजे वजो दूर दुराडे के इलाके अक्सर विवादग्रस्त उत्तरी शान और सरहदी राज्यों के किसानों के कोल अफीम की खेती करने तो इलावा खास विकल्प नहीं सी बचिया। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार म्यांमार की अफीम आर्थिकता के कुल मुल स्थानिक तौर पर वेची गई कच्ची अफीम की मात्रा आधार 66 करोड़ तो 2 अरब डॉलर के विचकार है। गल करांगे अगली खबर बारे।
18 लाख खर्च के शख्स बनिया बग्याड़ दस्या जा रहा है हैरानीजनक कारनामा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शौक वड्डी कोई चीज़ है। अजीब शौक रखते हुए एक व्यक्ति ने खुद को बग्याड़ के रूप में दिखाने की पूरी कोशिश की। अजिहा करन दे उसने माण है। असी गल कर रहे हाँ जापानी इंजीनियर तौर दी बाकी लोगों की वाग वह पूरा हफ्ता बिजी रहन मगरों टिंग करन दा पसंद करते हैं, पर इस दे नाल स्थानिक बार दे विच नहीं जाते, सगो घर दे विच बग्याड़ दी पोशाक पहन के सारे दा मनोरंजन करते हैं। उन्होंने दसिया कि $23,000 करीब 8 लाख रुपये एक सूट है। वो दसते हैं कि वह जानवर वांग रहना पसंद करते हैं क्योंकि इस नाल वह कुछ समय के लिए मनुखी समस्यावां नूं भुल जाते हैं। 32 साला तौर का आखना है कि जदों भी यह पोशाक पहनता हाँ तो उस दे नाल उसनूं यह लगता है कि वह कोई इंसान नहीं है, वह मनुखी रिश्तों तों मुक्त हो जाता है। इस दे नाल ही हर तरह की समस्यावां तो भावें वह काम के संबंधित होवे जां फिर कोई होर चीज़, अजिहा करके वह उन्होंने भुलण का पूरा अलम करता है। जिहड़े कंपनी तो उन्होंने अपना पोशाक बनवाई है वह फिल्मों और टैलीविजन सीरीज़ के लिए कपड़े बनाती है। इस पोशाक को बनाने के लिए तौर और कंपनी के विचकार घट्टो घट 40 ईमेल होए हैं। उन्होंने 3 आमो सामने मीटिंगा कीतियां जिन्हां दे विच तौर ने दस्सिया है कि वह अपने लिए किस तरह का सूट चाहते हैं। गल करेंगे अगली खबर बारे।